वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को ये कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, लेकिन अपने संन्यास के बारे में उन्हें खुद फैसला करना है। शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धोनी एक महान खिलाड़ी हैं और उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, लेकिन अपने संन्यास का समय उन्हें खुद ही तय करना है। IPL के पूर्व चेयरमैन ने यह भी कहा कि किसी भी खिलाड़ी के बारे में BCCI की तय नीति है और ये फैसला उसे ही करना है कि वो कब से संन्यास लेगा। बता दें कि धोनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में इस 38 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। दो बार विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे धोनी इंग्लैंड में 2019 विश्व कप से भारत के बाहर होने के बाद से ब्रेक पर हैं। धोनी के मार्च के अंत में शुरू होने वाले IPL में वापसी करने की उम्मीद है, जहां वो CSK की कप्तानी का जिम्मा भी संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कथित सट्टेबाज संजीव चावला को बृहस्पतिवार को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित भारत लाए जाने के बारे में पूछे जाने पर राजीव शुक्ला ने संतुलित प्रतिक्रिया में कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों का कैलेंडर इस तरह तैयार किया जाना चाहिए जिससे दो स्पर्धाओं के बीच खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम मिल सके। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।